नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए टॉप 5 मार्शल आर्ट्स ऑफ एशिया। ये सिर्फ एशिया के टॉप 5 मार्शल आर्ट्स बताने वाला हूँ मैं आपको, वर्ल्ड के नहीं। तो इस वीडियो को जरूर पूरा एंड तक देखें। अगर आप इंडिया से हैं तो इस वीडियो को जरूर पक्का एंड तक देखें, आपके लिए बहुत ही बढ़िया जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के एंड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ अनिकेत पनवार और आप देख रहे हैं मार्शल योगी चैनल। तो इस चैनल में आपको मार्शल आर्ट से रिलेटेड हर वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर दबा दें ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं टॉप 5 में से पांचवें नंबर कौन से मार्शल आर्ट करता है। ये हमारा जापान से मार्शल आर्ट है, इसे हम कहते हैं जूडो। जूडो हमारा, इसकी एक थोड़ी सी तो आपको ब्रीफ नॉलेज दे देता हूं मैं। ये हमारा 1882 में बना है मार्शल आर्ट और इसको बनाया है जिकारो कानो ने। ये हमारे मार्शल आर्ट के प्रैक्टिशनर हैं, उन्होंने क्रिएट करा है। तो आज का आपको ये तो जापान में बना है, जिकारो कानो ने बनाया है और ये वहाँ पे खेला जाता है जो स्टार्टिंग हुई है हमारी। तो आप मेन आपको बता दूँ इसके क्या काम होता है इसमें, बस इसमें हमें मेन काम क्या होता है, सामने वाले को हिंदी भाषा में अपनी शुद्ध लैंग्वेज में आपको अगर बताऊँ तो इसमें आपको सामने वाले को पटकना है सिर्फ ठाक। कैसे, वो उसके कुछ रूल्स आ जाते हैं। अगर आप गेम खेल रहे हो, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो और किसी पे अप्लाई कर रहे हो अपने सेल्फ डिफेंस या किसी भी चीज़ में, तो आप किसी को कैसे भी उठा के पटक सकते हो। आपका जूडो के उसमें आपको थ्रो लगेंगी सारी। तो ये आपके किसी को भी सामने वाले को पकड़ के पटकना है नीचे, वो आपका जूडो हो जाता है। साथ में आपके इसमें लॉक्स आ जाते हैं कई तरीके, आपके एल्बो हो गया, चोक हो गए, ये सब हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा जूडो। अब आ जाते हैं हम नंबर 4 मार्शल आर्ट पर। नंबर 4 पे आता है हमारा कराटे। कराटे भी जापान वालों ने ही बनाया, जापान वालों ने बनाया। अब आप एक चीज देख लीजिए, जितने भी जापानी है छोटे आदमी होते हैं, इनमें कुछ ना कुछ करने की उम्मीद बहुत रहती है। तो ये कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। अब इन्होंने ये जूडो बनाया। हर किसी को एक, आपको पहले छोटी सी बात बता देता हूँ, हर कोई इंडिया में क्या होता है कि हर कोई क्या कहता है किसी मार्शल आर्ट के पास जाने से पहले, जूडो कराटे सीखना है। जूडो कराटे हर कोई ज़्यादातर ये सोचता है कि जूडो और कराटे एक ही मार्शल आर्ट है पूरा, तो ये बिल्कुल नहीं है। जूडो अलग गेम है, कराटे अलग गेम है। ये सिर्फ जूडो कराटे इसलिए ज़्यादातर कहा गया क्योंकि ये एक ही कंट्री से बने हैं हमारे। जूडो भी जापान का गेम है और कराटे भी जापान का गेम है, तो इसलिए दोनों अलग ही मार्शल आर्ट है। इन्हें आप एक ना समझे और कहीं भी अगर प्रैक्टिस पे जाते हैं या किसी से भी बताते हैं तो ये दोनों अलग अलग हैं, इन्हें एक साथ ना बोला करें जूडो कराटे। ठीक है, तो अब कराटे के बारे में बता देता हूँ आपको। कराटे भी हमारा जापान से बना है और जापान में इसका ओरिजिन हुआ है। इसमें क्या होता है, हमारे किक पंच दोनों चलते हैं। अगर आप गेम खेल रहे हैं कराटे का तो आपको उसके थोड़े से रूल्स बता देता हूँ। इसमें आपको फेस पे पंच नहीं मार सकते, आप सिर्फ चेस्ट पे पंच मार सकते हैं इसमें, और आप किक इसमें कहीं भी मार सकते हैं, ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक। ये इसका रूल्स हो गए। मतलब इसमें मेन काम क्या करना है आपको, घुट और लात हमारे दोनों बजाने हिंदी भाषा में शुद्ध, आपको जो बताना चाहूँगा अगर, तो अगर मेरे जो भाई शुद्ध देसी हिंदी लैंग्वेज में समझ सकते हैं उनके लिए यही है, अपना घुट लात बजाना और कुछ नहीं करना इसमें। आपको जूडो कराटे में आपको घुट लात बजाना सिखाएंगे। ठीक है, तो अब आवाज आता है हमारा तीसरा मार्शल आर्ट कौन सा है एशिया का नंबर 3 पे। नंबर 3 पे आ जाता है हमारा मूथाई। मूथाई कहाँ का है, थाईलैंड का। अब ज़्यादातर लोग, अगर आप किसी से थाईलैंड की बात करोगे तो आपको क्या कहेगा, थाईलैंड जाना है, ओहो मसाज करा के आएगा भाई। मसाज के लिए नहीं है थाईलैंड फेमस, उसका थाईलैंड का सबसे मोस्ट डेंजरस मार्शल आर्ट है मूथाई। ये उनका नेशनल गेम भी है और इसकी एक छोटी सी स्टोरी बता देता मैं आपको। ये पहले जैसे राजा होते थे, पहले लोग कब्जा कर लेते थे, तो वहाँ पर एक आदमी को कब्जा कर लिया, पकड़ लिया। जैसे आपने देखा हो ग्रीस में ग्लैडिएटर लड़ते थे अपनी जान बचाने के लिए, तो ये एक आदमी ने जो अपनी जान बचाने के लिए राजा के सामने लड़ा हो, उसने कई, मतलब क्या बताऊँ आपको, कितने सारे उसके सैनिकों को, लड़ाकुओं को, सबको धूल चटा दी। तो उसने कहा भाई ये कौन सी कला से तुमने इतने सारे सैनिकों को, बढ़िया बढ़िया योद्धाओं को भी हरा दिया। तो तब उसने उसका मूथाई बनाया था कि अपनी रक्षा के लिए एक मार्शल आर्ट है जिसे मैंने योग करा। तब से वहाँ पे ये मूथाई सी, उसने राजा ने उसे बहुत पसंद करा इस चीज़ के लिए, और फिर उसने पूरे थाईलैंड में सिखाना स्टार्ट हुआ और ये उनका नेशनल गेम बन गया धीरे धीरे। ठीक है, इसमें आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या हमारे चल सकते हैं। इसमें आपके गुट भी चलेगा, लात भी चलेगा, कोहनी भी चलेगी, घुटना भी चलेगा। मतलब कि पूरा शरीर किसी के सामने वाले कैसे भी मार सकते हो आप, घुटना मार लो, कोहनी मार लो, बस एक खोपड़ी बच जाती है उसे छोड़ के, बाकी सब कुछ मारना, घुटना भी मारना है,
पैर भी मारना है, कोहनी भी मारनी है, गुड भी मारना, सब मारना है सिंधु। मतलब सामने वाले की चटनी बना देनी है मार मार के, कोहनी कोहनी मार दो, गार्ड कह रहे ना कोहनी गार्ड में वो वाला काम है, सो भाई कोहनी गार्ड देनी है सामने वाले का, घुटना घुटना गार्ड दो या दो। तो ये तो आपको हो गया मुथाई। इसमें आपके एक बार फिर से बता देता हूँ आपके, इसमें पंच भी चलेंगे हमारे, एल्बो भी चलेगी, नी भी चलेगी, किक भी चलेगी, सब चीज चलेगी, हर जगह चलेगी। ये नहीं कि यहाँ पे अलाउड नहीं है बस, हाँ नीचे समझ जाओ, नीचे नहीं मारना, बाकी हर जगह मारना है आपको, ठीक है। तो आ जाता है हमारा सेकंड। अब भाई इंडिया से हो तो उसका सबसे बड़ा ये कि आजकल चल रहा है घपला चाइना से, तो आपका क्या बता दूं मैं, चाइना में का है हमारा नंबर टू पे जो आया है टॉप फाइव में हमारी लिस्ट पे, वो आया है चाइना का कुंग फू। कुंग फू के बारे में मैं तो नहीं मानता, बच्चे बच्चा जो भी मार्शल आर्ट के बारे में अगर कुछ पढ़ना चाहता है सबसे पहले मुझे लगता है उसके मन में या उसको बताया जो जाता है वो कुंग फू आता है। मार्शल आर्ट एक तरीके से लोगों ने क्या सोच लिया कुंग फू ही मार्शल आर्ट है, तो भैया कुंग फू मार्शल आर्ट नहीं है। मार्शल आर्ट आप किसे, एक पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा मार्शल आर्ट आप किसे समझते हैं। अब आप कहीं जाते हैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दे दूँ, आप सामने वाले की अपनी बेइज्जती ना करा लें इसलिए, तो आपको बता दूँ मार्शल आर्ट क्या होता है। मार्शल आर्ट आपकी एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर आपके जो कोर्स होते हैं, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो उसको, जैसे हमारी मेरठ की यूनिवर्सिटी ले लेते हैं हम, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हमारी मेरठ की है, तो उसके अंदर क्या कर रहे हैं, अब जैसे मैं बी ए पी एड कर रहा हूँ बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो आप वहाँ पे ये मेरा एक कोर्स हो गया, तो आप मार्शल आर्ट एक हमारी यूनिवर्सिटी है जिसमें मुथाई एक उनका कोर्स है, ठीक है। ये नहीं कि मार्शल आर्ट एक अलग चीज है, मुथाई अलग चीज है, जूडो अलग है, कराटे अलग, ऐसा कुछ नहीं है। एक मार्शल आर्ट आपकी एक ऐसी कला होती है जिसमें आप अपने आप की रक्षा करते हैं, मार्शल का नाम ही मारना है, मारपीट से बचाना या मारना, ठीक है। तो इसलिए आपको मार्शल आर्ट एक आपकी, इस तरीके से आप आराम से समझ लेंगे, मार्शल आर्ट एक आपकी क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर आपका बाकी जितने भी जूडो कराटे मुथाई कुंफू सब कुछ जो आता है आपका वो आपका कोर्स है उसके अंदर, ठीक है। तो मैं बताना चाहता, हाँ क्या बता रहा हूँ, नंबर टू पे है आपका चाइना का कुंफू। अब चाइना वाले इसकी हर जगह डंका पीटते रहते हैं, हमारा कुंफू इतना बढ़िया, इतना तगड़ा, इतना ये वो फलाना ढिकना, मतलब हर किसी को यही लगता है कुंफू बहुत कड़ा है और चाइना वालों ने अनखी तारीफ की इसके लिए। पर उन्हें एक बात बता दूं, चाइना में जो कुंफू ले गए हैं वो इंडिया वाले ही हैं, जी हाँ। आपको भी शौक लगा ना मेरी तरफ, तो जब ये मुझे पता लगा था मुझे भी ऐसे शौक लगा था आपकी तरफ, कुंफू चाइना में इंडिया से ही गया। बस एक क्या है हमारे इंडिया से गलती कि उन लोगों ने उसी चीज को प्रैक्टिस कर ला, बहुत कड़ा दबा के प्रैक्टिस करी, मतलब अंध की तार थी उसकी, इतनी तार थी अंध की कि लगे पड़े रहे उसको। मतलब कहते हैं ना चाइना वालों की कुछ भी दे दे उसका कॉपी बना देंगे वो अलग, तो हमने उन्हें अपना मार्शल आर्ट दिया, उन्होंने सालों ने अपना मार्शल आर्ट खड़ा कर दिया एक अलग। तो भैया कुंफू कुछ नहीं, एक मार्शल आर्ट है आपका सेकेंड नंबर का, इसमें आपके अलग अलग, इसमें हमारे बारे में आपको कुंफू के बारे में बता दूँ, इसमें अलग अलग आपकी चीज़ें सिखाई जाती हैं, इसमें ज़्यादातर जो फोकस किया जाता है वो एनिमल मूवमेंट्स मार्शल आर्ट में किया जाता है, जैसे टाइगर की मूवमेंट्स पर, स्नेक की मूवमेंट पर। तो ये जो कुंफू बनाया गया वो एनिमल मूवमेंट्स पर मार्शल आर्ट बनाया गया हमारा, तो ये आपका आ जाता है नंबर टू पे। अब आपको ये बता दूँ हम, आप कह रहे सोचे हो इंडिया से कैसे ले, इंडिया में एक राजा थे बोधि धर्मन, उन्होंने वो गए थे अपने मतलब राजपाट को छोड़ के, वो बात अलग है, उसके लिए एकदम अलग स्टोरी बनाऊंगा मैं, अलग वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसे देखना। तो इसमें आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो बोधि धर्म एक राजा थे, वो घूमते घूमते पहाड़ों से होते हुए चाइना पहुंचे, वहां पे उन्होंने देखा लोग वहां के बहुत बीमार हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, तो जैसे हमारे यहाँ पे योगा है तो उसी तरीके से मार्शल आर्ट भी एक योगा ही आया अलग तरीके से अपना, तो उन्होंने उसे वहाँ पे ये सिखाया कुंफू जो हमारा मार्शल आर्ट है जिसको अब वो कुंफू बोलते हैं, तो वो उन्होंने वहाँ पे सिखाया, दबा के सिखाया और लोग सही हो गए, मतलब उन्होंने बढ़िया कर दिया, सिखा दिया एकदम सबको, और उसी को लेके वो आज तक चले आ रहे हैं, और जो उनकी संस्कृति है वो हमारी ही दी गई है। तो इस बात को आप समझ के रहे हैं कि चाइना वालों का कुंफू हमसे बढ़िया नहीं है। तो अब आ जाता हूँ मैं नंबर वन पर, और इसका खुलासा करने वाले हम नंबर वन पर, इंडिया वाले बने रहे हैं इस वीडियो को एंड तक देखना, भाई इंडिया वालों की जरूर कहूँगा मैं, इंडिया वालों को तो 100% देखना है इसे, ठीक है। तो नंबर वन पे आता है हमारा कलारी पे आर्ट, जिसे हम कलारी भी कहते हैं, ये वर्ल्ड का मतलब
एशिया का नहीं कह रहा हूँ, इसमें वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट में से आता है आपका ये कलारी, आपका बहुत ही बढ़िया मार्शल आर्ट है। अगर आप ये हर चीज का तोड़ है इसमें, ये भी अब आपको कह आप कह रहे हो ये कैसे है, अब जो हमारे बोधि धर्म थे वो इसी मार्शल आर्ट को लेके गए थे कलारी को, कलारी पैटू को ही जाके सिखाया उन्होंने वहां पे, उसी का नाम उन्होंने बदल के क्या कर दिया, कुंग फू कर दिया, जिसे आज सारी दुनिया जानती है। और कलारी पैटू जो सबसे पुराना है उसी से भी, कुंग फू से भी पुराना है, जो उसे नहीं जानते हैं लोग हमारे यहाँ पे। तो कलारी एक बहुत ही बेस्ट मार्शल आर्ट है और वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है आपका, तो उसे आपको उसके बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको हर तरीके के मार्शल आर्ट, हर तरीके से लड़ना सिखाया जाता है। और जो आपको मैं अभी बता रहा था कुंग फू में एनिमल मूवमेंट्स होती है, वो भी एनिमल सारी मूवमेंट्स पर हमारे लोगों ने मार्शल आर्ट बनाया था एनिमल मूवमेंट से लड़ना की, उस उनकी तरह कैसे उनकी तेजी को, रफ्तार को, उनके मार लगाने को, घात लगाने को, तो सारी चीज़ें उनसे हमने एनिमल से सीखी है। इसमें इसमें हम आपको तलवार, इसमें आपको लाठी चलाना, तलवार चलाना, मतलब जैसा भी आपको आप देखा हो ना आपने मार्शल आर्ट में की करते हो लोग, सब चीज़ इसमें करनी है, सिखाते हैं आपको। तो ये आपको जरूर याद रखना है। तो ये हो गए आपके टॉप 5 एशिया के मार्शल आर्ट। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो और इंडिया वाले तो जरूर इसे लाइक कर दे दबा के, मतलब हर किसी को आपको शेयर करना है, अपने इंडिया को बढ़ाना है, हमें आत्मनिर्भर बनाना है हमें अपने इंडिया को, तो इस वीडियो को जरूर ज़्यादा शेयर करें। तो आज इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड कर रहा हूँ, और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही बढ़िया बढ़िया मार्शल आर्ट से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, और भी अच्छी अच्छी जानकारी के लिए आपको अलग अलग वीडियो लाता रहूँगा मैं, इसमें आपको मार्शल आर्ट के स्किल्स भी सिखाऊंगा इन वीडियोज़ में। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।